अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टिकटॉक स्टार अलिशबा अंजुम और आफान मलिक के ब्रेकअप के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर इन दोनों की ऑफिशियल मंगनी हुई, वो मंगनी काफ़ी धूमधाम से की गई और इनका फोटोशूट भी काफ़ी हिट हुआ। मगर व्यूअर्स, बदकिस्मती से अभी कुछ देर पहले इनके ब्रेकअप की खबर सामने आई है। इनके ब्रेकअप की क्या वजह है और इनका ब्रेकअप क्यों हुआ, आज की इस वीडियो में आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल के आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें। व्यूअर्स, आफान मलिक ने कुछ दिन पहले ऑफिशियली टिकटॉक अकाउंट छोड़ दिया है और ये कहा है कि टिकटॉक छोड़ने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ दीने इस्लाम है। और उन्होंने ये कहा है कि टिकटॉक पर नाच गाने की वजह से वो जहनी तौर पर पुरसकून नहीं है, जिसकी वजह से वो टिकटॉक को छोड़ना चाहते हैं और वो ऐसा कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा किया भी। व्यूअर्स, एक ज़राए से ये बात सामने आई है कि आफान ये चाहते थे कि अलिशबा शादी के बाद मुकम्मल तौर पर टिकटॉक से कट ऑफ हो जाए, मतलब कि टिकटॉक को छोड़ दे, लेकिन अलिशबा इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। और इसी बात पर उन दोनों के दरमियान काफ़ी दिनों से इख्तलाफात चल रहे थे और फिर यही बात ब्रेकअप तक जा पहुंची और उन दोनों की एंगेजमेंट टूट गई। व्यूअर्स, अलिशबा से पहले जन्नत मिर्ज़ा का भी ब्रेकअप हो चुका है उमर भट्ट के साथ। जन्नत मिर्ज़ा के टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और फिर जन्नत के बाद ब्रेकअप हुआ सहर मिर्ज़ा का। पहले सहर मिर्ज़ा ने ब्रेकअप किया और उसके बाद अपने ही कज़न के साथ मंगनी कर ली, जैसा कि आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तीनों बहनें काफ़ी मॉडर्न हैं और ये बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तभी इनका कोई भी रिलेशन ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता। लेकिन व्यूअर्स, अलिशबा और आफान का कपल काफ़ी फेमस था और वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते थे और उनके ब्रेकअप की वजह से उनके फैंस को काफ़ी सदमा पहुंचा है। तो आप उनके ब्रेकअप के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।